सो वेलकम टू विजन एक्स अपडेट्स। आज की इस वीडियो के लिए मेरे पास 5 से 6 न्यूज़ है, बट इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, सो वीडियो में अंत तक बने रहना। एंड थैंक यू फॉर 12,000 सब्सक्राइबर्स, बट स्टिल 96% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है भाई। एटलीस्ट इन नॉट सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब को भाई 50-50 तो कर दो भाई। ये 97-96% देख के भाई बहुत बुरा लगता है, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब ठोक दो। सो बात कर लेते हैं फर्स्ट न्यूज़ के बारे में। सो पबजी मोबाइल इंडिया वालों ने अपना लोगो रिवील कर दिया, यानी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया वालों ने। तो इसमें कुछ यूट्यूबर्स ने भी रिएक्शन दिया है अपना, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। लोगो रिवील, लोगो रिवील हो गया, लोगो आ गया। लोगो तो क्या करूं लोगो आने से भाई, गेम आया है कि ये बताओ। लोगो तो मुझे पता है लोगो कैसा है, मेरे पास पहले से ही लोगो है। और वो जो लोगों की वीडियो आई थी बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के ऑफिशियल चैनल पर, उसके एंड में लिखा होता है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया हैशटैग इंडिया का बैटल ग्राउंड्स। तो इसमें स्काउट ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में रिएक्ट किया, वो भी आप अपनी स्क्रीन में देख ही रहे हो। अब बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ के बारे में। सो मावी ने ऑफिशियली SA12L को ज्वाइन कर लिया है। सो इस चीज़ में स्काउट ने भी रिएक्ट किया अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में, और उन्होंने लिखा कॉन्ग्रेचुलेशंस डेडली डुओ बैक और वॉट @ मावी हरमन। ये जो अनाउंसमेंट थी वो 8-bit क्रिएटिव्स ने की थी, और अभी बहुत सारे लोगों को डाउट है कि 8-bit क्रिएटिव्स में जो ज्वाइन हो रहे हैं वो SA12L की तरफ से ई स्पोर्ट्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो इस चीज़ का आंसर गोल्डी भाई ने अपनी लाइव स्ट्रीम में किया, सो वो भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो। कि पहली बात 8-bit अलग चीज़ है, 8-bit क्रिएटिव्स इज अ टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी। 8bit.gg जो कि एक ई स्पोर्ट्स ऑर्ग होती थी, दैट डजेंट एग्जिस्ट एनीमोर। पॉइंट है। पॉइंट टू, 8-bit क्रिएटिव्स एक एजेंसी है जिसके मी एंड थग आर ओनर्स, ओनली मी एंड थग आर ओनर्स, जहाँ पे हम लोग ये सारे टैलेंट्स को मैनेज करते हैं। दूसरा हुआ SA12L ई स्पोर्ट्स, जिसमें मॉर्टल मैं और थग पार्टनर्स है, ठीक है, समझ रहे हो पूरी बात को। उसमें SA12L का ई स्पोर्ट्स डिविजन आएगा पूरा, जिसमें टीम सोल्ड आएगी पावर्ड बाय SA12L। देन और भी जो गेम्स वैलोरेंट के लाइनअप है, COC के लाइनअप है, और एक दो लाइनअप भी अनाउंस होने वाले हैं जल्दी, उसमें ई स्पोर्ट्स के वर्जन आएगा। प्लस उसमें हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रिएटर्स हु आर ऑल SA12L, बट दे आर बींग मैनेज बाय 8-bit टैलेंट एजेंसी। अब पूरी बात क्लियर हो गई। सो बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ के बारे में। सो पायल ने भी ज्वाइन कर लिया 8-bit क्रिएटिव्स को, बट मेरे दिमाग में एक बात समझ नहीं आई, अब पायल एंटिटी की तरफ से कंटेंट क्रिएटर है या SA12L की तरफ से, ये भाई मेरे को चीज़ समझ नहीं आई। सो जो वीडियो अभी तक देख रहे हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। अब बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ के बारे में। सो घातक ने फिर से बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया पे हिंट दिया, उन्होंने लिखा अभी तो सिर्फ गेम का अनाउंसमेंट हुआ है, वेरी सरप्राइजिंग थिंग्स टू कम फॉर बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया लवर्स, स्टे ट्यून्ड। एंड घातक भाई ने अपने अंडरडॉग्स का जो टूर्नामेंट अनाउंस किया था 1 महीने पहले, उसके बारे में भी बात करी। घातक भाई ने लिखा अ गेमर फॉर गेमर बैन की वजह से जो इवेंट हमारा रह गया था अब वो हमें आगे लेके जाएंगे, विल गिव ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस इवेंट सून, दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली फॉर द अंडरडॉग्स हू वांट्स टू जॉइन प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स, नो प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर आर अलाउड इन दिस इवेंट। अब बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ के बारे में जो कि आ रही है पबजी मोबाइल इंडिया के इंस्टाग्राम हैंडल को लेकर के। सो वहाँ पे पहले नाम था पबजी मोबाइल इंडिया, बट उसको अब चेंज करके कर दिया गया है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, बट यूज़र नेम वही सेम है पबजी मोबाइल इन। अब मेरे को पता है बेचारे पबजी वाले अपना यूज़र नेम क्यों नहीं चेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि भाई देखो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया जो नया नाम होने वाला था उसकी अनाउंसमेंट बहुत दिन पहले से हो रखी थी। सो लोगों ने क्या किया, इंस्टाग्राम पर नए नए अकाउंट बना लिए बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इन नाम से, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की यूज़र नेम से बहुत लोगों ने रख लिया बेचारे, इसलिए पबजी मोबाइल इंडिया वाले अपना यूजर नेम नहीं चेंज कर पा रहे टू बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। बट देखते हैं भाई ये पबजी मोबाइल इंडिया वाले ये कोई ना कोई तो जुगाड़ लगाएंगे लगाएंगे। अगली न्यूज़ आ रही है जो फौजी की जो कंपनी है एनकोर गेम्स, उसके CEO विशाल गोंडल ने पबजी मोबाइल इंडिया का जो कमबैक हुआ है, यानी बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का जो कमबैक हुआ है, उसमें रिएक्ट किया अपने ट्विटर पर। उन्होंने लिखा वेलकम बैक टू इंडिया #PUBG Mobile। अब वो न्यूज़ भी सुन लो मैं गलती से जो देना ही भूल गया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो घातक भाई ने भी रिएक्ट किया बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के लोगो रिवील में अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, सो वो भी आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हो। एंड ओशन शर्मा ने भी रिएक्ट किया ऑन मावी ज्वाइनिंग SA12L अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में, सो वो भी आप अपनी स्क्रीन में देख ही रहे हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई नो यू लाइक दिस वीडियो, सो एक लाइक कर देना, एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड 15,000 सब्सक्राइबर्स का हमारा सब्सक्राइबर गोल है, सो उसको अगर जल्दी से जल्दी पूरा करवा दोगे सो इट विल बी गुड फॉर मी। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक ले पीस आउट एंड साइनिंग आउट।